फ्रेंड्स, माय नेम इज मिलिंद और आपके अपने यूट्यूब चैनल माउंटेन में आपका स्वागत करता हूँ। हम कल के लिए यहाँ रुके थे और आज मैं पूरा का पूरा बस स्टॉप आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आज उत्तरायण का त्यौहार है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको आवाज़ वगैरह पटाखों की यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो इस्कॉन जन महालय करके एक अपना पूरा का पूरा ये बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर बड़ौदा का रेलवे स्टेशन आपको दिख जाता है। उसी के पास आपको खाने पीने की चीज़ गुजराती या फिर साउथ इंडियन यहाँ पर आपको मिल जाती है, जहाँ पर हम काफ़ी सारी विजिट भी अपने किया था। जैसा कि बड़ौदा का यहाँ आपको पश्चिम रेलवे स्टेशन मिल जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्था वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पूरा का पूरा पार्किंग रहता है, उसके तहत यहाँ सब लोग अपना पार्किंग लगाते हैं और यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से लोग टिकट वगैरह खरीदते हैं। उसके साथ साथ थ्रू लेन, ये लेन का पूरा लोगो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर पश्चिम रेलवे ने पूरा का पूरा ये एनिमेशन बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से रंग से सजाया गया है। उसके साथ साथ जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो सरकारी अने विशेष वाहन, इट मीन्स सरकार एवं विशेष वाहन की यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रिक्शा वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर टिकट का पूरा काउंटर यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आप टिकट वगैरह खरीद सकते हो। और मैं अंदर जाके प्लेटफॉर्म टिकट हमको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोग टिकट वहाँ पर खरीदेंगे। यहाँ पर हमें काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह का चेकिंग यहाँ पर होता है। वहाँ से जैसे ही अपना बैग वगैरह यहाँ से निकल जाता है तो सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर रहता है। मेरे सामने देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खचोखच यहाँ से भरा हुआ है, जहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर वगैरह जा रहे हैं, अपनी मुसाफरी के लिए जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से गाड़ी वगैरह जा रही है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं, जहाँ से पूरा का पूरा व्यू हमें दिख रहा है। जैसा कि मेरे सामने आप देख रहे हो कि सूर्य नगरी सुपर एक्सप्रेस करके जो ट्रेन है यहाँ से निकलेगी और आगे आगे बढ़ेगी। यहाँ पर काफ़ी लोगों को, जितने भी यात्री को है उसको रहने के लिए की जगह यहाँ पर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक है, जहाँ से हम लोग आगे के प्लेटफॉर्म भी देखने वाले हैं, जहाँ से पूरा का पूरा आपको व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ काफ़ी बढ़िया सा प्लेटफॉर्म को सजाया गया है और उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा नियमावली भी दी गई है, जहाँ पर पूरा का माथा भार व्यक्ति प्रति फेरा दर, इट मीन्स कि ये जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको जो मजदूर वगैरह चाहिए जो लेने के लिए माथे के लिए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल दिख जाता है। उसके साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा व्यू पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, जहाँ से हम काफ़ी अच्छी तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़िट वगैरह भी यहाँ से दे दिया गया है, जहाँ पर आप एग्ज़िट एंट्री वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। और पश्चिम रेलवे ने पूरा का पूरा सजाया गया है। और दूसरे नंबर पे जैसे ही आप ऊपर एंटर होते हो तो काफ़ी जानकारी वगैरह आपको मिल जाती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिससे कि आपको कोई बहुत आसानी रहे, ऐसा सजाया गया है। नया वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर काफ़ी सन्नाटा वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लिप जैसा ही, मतलब अपने इंडियन स्टाइल में चलने के लिए दे दिया गया है, ताकि लोगों को कोई अपनी ट्रॉली ले जाने में या फिर लाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके साथ साथ काफ़ी सारा बस रेलवे स्टेशन भी काफ़ी सारा सजाया गया है,
जिससे यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिल जाता है। यहाँ जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से भरा हुआ आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ आप मेरे सामने देख रहे हैं कि एक कर्णावती एक्सप्रेस करके जो कोई ट्रेन खड़ी है, जो कि शायद अहमदाबाद से बॉम्बे तक चलती है, वहाँ पे हाँ अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल चलती है। शायद हम भी कोंगो के लिए जब निकलेंगे तो कल यही ट्रेन का देखेंगे और यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा अफ्रीकन विजिट करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे काफ़ी खूबसूरत बस्ती और क्या क्या चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री वगैरह, यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रेन का चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए तीन तरह के अहमदाबाद हिंदी, गुजरात और इंग्लिश में तीनों भाषाओं में लिखा हुआ है, ताकि गुजरात के या फिर विदेश के यात्रियों को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और काफ़ी यहाँ पर बाहर जैसे ही निकलते हैं तो कुरकुरे वगैरह आपको जैसा ही खाना है तो सब यहाँ से मिल जाता है। और काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, आप मेरे सामने ही देख रहे हो, D12 डिब्बा तक हम चले हैं। अभी ट्रेन की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, ये ट्रेन अभी मुंबई सेंट्रल तक पहुंचेगी, जहां पर काफ़ी अच्छा व्यू वगैरह आपको दिख जाएगा। जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी ऐसा ऐसा आपको व्यू यहां से मिल जाएगा। जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये सेंट्रल तक पहुंचेगी। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एसी कंपार्टमेंट से भरा हुआ आपके पीछे यहां पर पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से सफ़र कर सके। जैसा कि मेरे सामने आप देख रहे हो कि वेरावल टू बॉम्बे की ट्रेन यहां से चलती है, जो कि सौराष्ट्र में काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे यात्री यहां से यात्रा करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि पश्चिम रेलवे का पूरा बोर्ड दिख रहा है, उसके नीचे पूरा का पूरा चित्र वगैरह यहां पर बना हुआ है। उसके साथ साथ दिव्यांग बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिफ्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे सामने ही आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे यात्री आ रहे और जा रहे, उसके साथ साथ मेरे सामने ही एग्ज़िट का द्वार लगा हुआ है, जहाँ से पीछे से आप रिक्शा वगैरह यहाँ से टैक्सी वगैरह यहाँ से करके अपने सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर पहुँच सकते हो। उसके साथ साथ जैसे ही बाहर निकलते हैं तो खाने पीने की चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, जो कि सौराष्ट्र की और सब मिल जाता है, संतोष भजिया और वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और उसके साथ साथ यदि आप चाइनीज़ वगैरह भी खाना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाती है, जहाँ से आप चाइनीज़ वगैरह भी खा सकते हो। यहाँ पर जस्ट सामने ही आपको जगदीश फरसाण और बर्गर किंग वगैरह की दुकान यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आप कटक पटक कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग बड़ोड़ा वाला आपको रेलवे स्टेशन वाला पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है ये ब्लॉग तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हर बार मिलता रहे।